हेलो भाई, मेरा नाम आर्यन है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हमारे पास है किया सेल्टोस HTX डीजल मैनुअल। कलर है ऑरा ब्लैक पर्ल। अभी चमक रहा है तो बहुत प्यारा लग रहा है, जब गंदा होता है उतना ही गंदा लगता है। तो भाई आज हम इसका रिव्यू करेंगे, फीचर्स देखेंगे इसमें क्या क्या है, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को आगे से। तो भाई यहाँ पर आपकी उसकी मिल जाती है लाइट्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगी DRL, ये जो यहाँ तक पूरी कंटिन्यू होती है सेम उस तरफ। और यहाँ पे आपको मिल जाती है LEDs, यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4 LEDs मिलती है, 2 लो बीम में, 2 चारों हाई बीम में जल जाएंगी। नीचे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे बहुत प्यारे भाई, यहाँ पे देखो 3 लाइन आ रहे हैं, और अंदर यहाँ पे आपके 4 LED बल्ब्स हैं, ये इंडिकेटर भी प्रॉपर LED हैं। नीचे आपको मिल जाएंगे आइस क्यूब फॉग लैम्प, ये भी 3, मतलब इसमें आइस क्यूब जैसे कट्स हैं, मैं आपको बंद करके और दिखा दूंगा अगर यहाँ पे क्लियर नहीं होगा तो, जो बहुत प्यारे लगते हैं। और तीनों, मतलब क्या बताऊँ मैं। आगे यहाँ पे आपको टाइगर सिग्नेचर नोज ग्रिल मिल जाती है क्रोम में इस मॉडल में, यहाँ पे आपको बीच में पियानो ब्लैक ग्रिल मिल जाती है। और नीचे आपको देखेंगे तो ये जो आपको क्रोम वगैरह दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये एसेसरीज का पार्ट है, बाकी सब आपको गाड़ी में स्टॉक मिलता है। आगे गाड़ी में कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ थोड़ा क्रोम लगवाया है कंपनी से ही। ये आप इस साइड से लुक देख लीजिए। तो भाई साइड की तरफ बढ़ते हैं, शाम भी हो रही है, जल्दी जल्दी वीडियो पूरी करते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई ORVMs, इस पर जो क्रोम देख रहे हैं ये नहीं आते, प्योर ब्लैक आते हैं, मतलब जो कलर है गाड़ी का वो कलर आता है, ये ब्लैक है तो ब्लैक आएंगे। और ये क्रोम बाहर से, मतलब कंपनी से एसेसरीज में लगाया हुआ है, ये नहीं आता इसमें। ऊपर आपकी बात कर ले तो ये डोर वाइजर्स, ये भी कंपनी से ही लगवाए हैं, सब कुछ कंपनी से लगा है इस गाड़ी में, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ मतलब कंपनी से लगवाया हुआ है। ये विंडो गार्निश तो भाई गाड़ी में आती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है। नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाला क्रोम, ये भी कंपनी से लगवाया हुआ है। और इसके नीचे आप ये देख रहे होंगे ये वाली चीज़, ये इसके साथ एक ब्लैक लुक में आती है, जो कि आती है गाड़ी के साथ हर मतलब मॉडल में आ जाएगी, जैसे HTX है, HTX प्लस है, और GT लाइन में तो रेड कलर का हो जाएगा, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसी में। बात कर लेते हैं टायर की, तो भाई टायर यहाँ पे आपको मिल जाएगा 215/60 R17 17 इंच का ही आपको अलॉय व्हील मिल जाएगा, और ये है गन मेटल अलॉय व्हील। और भाई बहुत बढ़िया, मतलब क्या लुक आती है इस टायर की। टायर आपको कंपनी ने इस मॉडल में दिया है JK टायर्स का, और भाई स्टेपनी में जो टायर है उससे एक साइज छोटा है, ये प्रोफाइल सेम है, बस वो R16 है, वहाँ पर आपको दिखा दूंगा, वो भी दिखा दूंगा मैं अभी आपको। बाकी भाई इस गाड़ी में पहले से कुछ चेंजेस करे गए हैं जो आपको आंखों से नहीं दिखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। बाकी ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये किसी गाड़ी में नहीं आती, ये भी लगवाई हुई है, अभी गाड़ी अनलॉक है। इधर से आप, मैं मतलब साथ साथ आपको बताता चल रहा हूँ सब कुछ। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे चारों विंडोज़ के कंट्रोल, यहाँ पे चाइल्ड विंडो लॉक, यहाँ पे लॉक अनलॉक, यहाँ पे ऑटो मिरर फोल्ड अनफोल्ड का मिल जाएगा ये एडजस्ट करने का, और ड्राइवर विंडो आपकी ऑटो डाउन, ऑटो अप, एंटी पिंच के साथ। तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और भाई यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे इसमें 4, और ट्विटर्स मिल जाएंगे 2, ये ट्विटर है एक वहाँ पे, यहाँ पे, और नीचे स्पीकर आपको चारों डोर्स में मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो इस कफ प्लेट देख रहे हैं आप, सेल्टोस की जो भी से कहते हैं, और ये आपको कंपनी से मिलेगी गाड़ी के साथ, ये एक्सेसरीज नहीं है। यहाँ पे आपको मैनुअल सीट एडजस्टमेंट मिल जाएगी गाड़ी में भाई, प्योर लेदर सीट्स मिल जाएंगी वाइट कलर में। और भाई डैशबोर्ड अगर आपको मैं यहाँ से बता दूँ तो वाइट ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा, बहुत प्यारा लगता है जो। चलो अंदर की बात बाद में करेंगे, आगे आओ पीछे चलते हैं अभी। ये आप चीज़ जो देख रहे हैं ये प्रॉपर यू नो सब कंपनी से आता है, ये कोई एसेसरीज का पार्ट नहीं है, इस मॉडल से ये स्टार्ट होता है आना। भाई पीछे की बात करेंगे तो भाई पीछे टेल लैम्प्स पूरी LED मिलती है, सिर्फ इंडिकेटर्स इसमें हेलोजन मिलते हैं, और नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, ये रिफ्लेक्टर्स ग्लोइंग नहीं है, सिर्फ ये रिफ्लेक्ट होते हैं लाइट पड़ने पर। और आपको मैं बता दूँ ये वाली लाइन और ये
ये है कंपनी से लगवाई हुई एसेसरीज, ये ऐसे नहीं आता है, जबकि ये चीज़ आपको पूरी क्रोम में मिलती है। इससे नीचे वाले मॉडल्स में आपको थोड़ी फीकी फीकी से मिलती है सिल्वर कलर में, बट इसमें आपको ये मिलेगी पूरी क्रोम में। भाई ये मॉडल ना मतलब एक तरीके से वैल्यू फॉर मनी है, मैं वो भी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तब तक आप मेरे साथ आओ यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे जो है आपको मिलते हैं दोनों तरफ ये पैटर्न सा, ये आपको इससे नीचे वाले मॉडल से मिलना स्टार्ट होता है। और भाई ये गाड़ी में जान डाल देता है, कसम से बता रहा हूँ जान डाल देता है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं चार यहाँ पे आपको मिल जाते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, और भाई काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे से डिस्प्ले होता है स्क्रीन में आपको सब कुछ। पीछे यहाँ पे बात कर लेंगे तो रियर वाइपर, डिफॉगर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा वो जो स्प्रे आता है वाइपर के लिए, क्लीन करने के लिए। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, रूफ रेल्स वगैरह कंपनी से जो आती हैं, हाई स्टॉप लैंप मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और भाई एक बार आप लुक देख लो, थोड़ी सी अगर मैं ब्राइटनेस कम करूँ तो भाई ये रात में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। चलो भाई फिर इस साइड आ जाते हैं, आपको गाड़ी में इस साइड कुछ और अलग नहीं मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं क्वार्टर पैनल्स, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ब्लैक हो रखे हैं। तो भाई आप एक बार लुक चेकआउट करो, बहुत गजब की लुक आ रही है गाड़ी की। और मैं आपको बता रहा था कि ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी क्यों है। सबसे पहली बात जो ये लाइट्स हैं, ये लाइट्स का सेटअप है जो ये आगे आप देख रहे हैं, ये वाली फॉग लैंप को मिला के सब कुछ, ये ग्रिल वगैरह, ये सेटअप काफ़ी महंगा है और ये इसी वेरिएंट से आना स्टार्ट होता है। ये कम से कम लाख रुपए का तो आपको सेटअप पड़ेगा। अगर आप इसके नीचे वाले वेरिएंट से इस पे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देके आते हैं तो भाई लाख रुपए में तो आपको लाइट सी लाइट चेंज मिल जाती है। उसके अलावा आपको सनरूफ मिल जाएगा, सनरूफ इसी मॉडल से चालू होता है आना अगर मैनुअल या ऑटोमेटिक देख रहे हो तो, वरना IMT में आपको इससे नीचे मिल जाएगा। अलॉयज भाई 17 इंच टायर मिल जाएंगे इस मॉडल से ही। और भाई मेन डिफरेंस तो आपको अंदर भी देखने को मिल जाएगा। और भाई हाँ, टेल लाइट्स भी इसी मॉडल से मिल रही है जो LED है, वरना इससे पहले हेलोजन मिलती है। तो भाई अंदर चलते हैं, एक बार अंदर चलने से पहले आपको मैं चाबी दिखा देता हूँ। तो भाई ये है चाबी, इसमें आपको लॉक, अनलॉक, होल्ड और डिक्की का मतलब अनलॉक करने के लिए स्विच मिल जाएगा। मैं एक बार आपको इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो भाई ये देखो, जैसे अभी मैं यहाँ से लॉक करी, मैं अगर इसको होल्ड करके रखता हूँ तो भाई आपको आवाज़ आई होगी, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अगर नहीं आई तो ये देख लीजिए, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं इसी बटन को वापस दबा देता हूँ तो आप देखो बंद हो गई है। भाई इसके लिए आपके पास टर्म्स एंड कंडीशंस है, गाड़ी न्यूट्रल पे होनी चाहिए, हैंड ब्रेक खींचा होना चाहिए तभी गाड़ी स्टार्ट होगी, वरना नहीं होगी, और गाड़ी लॉक होनी चाहिए। और भाई यहाँ पे आपके पास आपको मिल जाएंगे ये जो मिरर्स हैं, ये ड्राइवर अप्रोच पे खुल जाते हैं, वेलकम मिरर्स कहते हैं, ये वेलकम मिरर्स कहा जाते हैं। और लॉक अनलॉक पे तो ऑब्वियसली खुलते ही हैं। फॉलो मी होम लैंप्स मिल जाते हैं आपको इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। जैसे मैंने कार अनलॉक करी आप देख रहे हो हेडलाइट्स जल गई हैं। बाकी चलो अब बहुत हो गई बाहर से बातें, अब अंदर चलते हैं। लाइट जला लेते हैं भाई। तो भाई डोर पैनल तो मैंने आपको बता ही दिया था, इसमें भाई देखो एनिमेशन देखो भाई कितनी प्यारी सी आती है। और अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा तो ये देखना सिस्टम चेक आएगा पूरी गाड़ी का, कैसे भाई बहुत धीरे से लाइट जलती है, काफ़ी प्यारी लगती है। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो डी कट आपको स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, पूरा लेदर। भाई जो टॉप मॉडल वाली लेदर वाली फील होती है ना, नीचे वाले मॉडल से आती नहीं है जी। ये आपको पैडिंग मिल जाएगी और ये भाई स्टेयरिंग जो ऐसा मिलेगा वो नीचे वाले मॉडल में आती नहीं है, चाहे कितना ही महंगा रैप करवा लो। और भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगी म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स, और राइट साइड में आपको मिल जाएंगे क्रूज के और MID के कंट्रोल्स। बाकी बीच में आपका वो डुअल हॉर्न, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश शेल्टोस लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे आपको, काफ़ी बार लगता है। यहाँ पे बात कर ली अगर हम तो यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है ये वाला, और यहाँ पे आपको मिल जाता है इल्यूमिनेशन के लिए कैबिन की। और भाई यहाँ की बात करें तो हेडलैम्प लेवलर, यहाँ पे राइट साइड में आपको AC वेंट्स भाई बहुत प्यारे लगते हैं, ये सिल्वर कलर में ऐसे सराउंडेड, और यहाँ पे आपको वही डिफॉगर्स। बीच में बात करेंगे तो AC वेंट्स नीचे, यहाँ पे 10.25 इंच की टच स्क्रीन, इसमें भाई तमाम फीचर्स है, इसके लिए एक प्रॉपर मैं वीडियो बना दूंगा, इसमें बहुत फीचर्स हैं। और भाई यहाँ पे आपको हैजर्ड लैम्प का स्विच मिल जाएगा जो हमने बंद कर दिया, ऑटोमेटिक AC फैन स्पीड, ये आपका एयर सर्कुलेशन, ये आपका मोड चेंज करने के लिए, रियर फ्रंट डिफॉगर ऑन ऑफ, ये ऑटोमेटिक मतलब क्लाइमेट सेट, टेम्परेचर सेट करने के लिए। नीचे आपको यहाँ पे फिनिश मिल जाएगी सिल्वर की, बहुत प्यार लगती है। भाई यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलता, इससे एक मॉडल ऊपर से आने लगता है। नीचे बात करें तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट, यहाँ पे USB के लिए, जिससे फ़ोन बहुत अच्छा चार्ज होता है, ये सिर्फ USB के लिए नहीं है। और ये है फास्ट चार्जिंग के लिए।
इसमें सी टाइप एक भी नहीं मिलता आपको गाड़ी में। यहाँ पे आपको रियर व्यू मिल जाता है, गाड़ी अगर आपकी ड्राइविंग में है आप ये बटन दबाएंगे तो आपको रियर व्यू मिल जाएगा, और इसी को ही दबाएंगे तो ये हट भी जाएगा। और भाई ये आपकी पूरी स्क्रीन जो है ये पूरी स्प्लिट फंक्शन में चलती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे आप मैप चलेंगे, गाने चला रहे तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगा, तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है ये। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हैंडब्रेक मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगी हैंडब्रेक के ऊपर, आर्मरेस्ट मिल जाएगा लेदर स्ट्रैप, और यहाँ पे आपको एम्बेस्ट स्पेस मिलती है। और भाई यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही होगी, ये दिख रहा होगा ये बड़ा मोटा सा निकला हुआ, ये है एयर प्योरीफायर, परफ्यूम भी आता है इस गाड़ी में एयर प्योरीफायर के साथ, ये आपको दिखा दूँ मैं, चलो पीछे से ज़्यादा अच्छे से दिखाऊंगा। बाकी डैशबोर्ड की बात करें तो भाई यहाँ पे ये लेदर है, ऊपर यहाँ पे सॉफ्ट प्लास्टिक है, और नीचे की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई रेड कलर की एम्बिएंट लाइटिंग, ये सिर्फ इस एरिया में है, बाकी नीचे आपको मिल जाएगा ग्लव बॉक्स, ठीक ठाक स्पेस है ग्लव बॉक्स में, चारों डोर्स में 1 लीटर बॉटल होल्डर भी है। यहाँ पे सनशेड मिल जाएगा, कोई वैनिटी नहीं है ड्राइवर साइड में, पर यहाँ पे वैनिटी मिरर है बिना लाइट्स के। और भाई जो मैं एक चीज़ से काफ़ी इंप्रेस हूँ, जो इसकी लाइट्स है अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती है, ये पूरा फोकस आपका गाड़ी में देती है, ड्राइवर की आंखों पे पैसेंजर की आंखों पे कुछ नहीं जाता है कि पूरी लाइट्स भर जाए, तो भाई बहुत बढ़िया है। तो भाई इसमें सनरूफ आ जाती है 1 टच, एंटी पिंच के साथ आ जाती है ये देखो। और भाई सनरूफ बहुत बड़ी नहीं है, पर जिसको सनरूफ का शौक है उसके लिए ठीक है, कोई मेरे को तो प्रैक्टिकल लगती नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ मेरा व्यू ये है, सनरूफ खुली है बंद है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये शेड मैनुअल है, जो कि भाई ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उस चीज़ में कर्टन आता है, ये थोड़ा हार्ड है तो गर्मी कम आती है गर्मियों के टाइम में ना। और भाई यहाँ पे आपको दिखा दूँ, दोनों तरफ आपको सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट्स मिल जाएंगी, यहाँ पे डोर्स पे आपको लेदर की प्रॉपर पैडिंग मिल जाएगी, ये पूरा लेदर का है, ये ऊपर सॉफ्ट टच है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है। भाई मतलब अगर मैं थीम की बात करूँ ना गाड़ी के अंदर की, तो भाई काफ़ी प्रीमियम है, और वाइट कलर के सीट कवर आते हैं लेदर के, मतलब लेदर सीट्स आती हैं, सीट कवर नहीं है, काफ़ी ठीक लगते हैं। ये छोटी मोटी एसेसरीज ली थी, काफ़ी कम्फर्टेबल होती है ये भी, अगर आपको लेनी है लो, नहीं लेनी आपकी मर्जी। यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑटो डिमिंग IRVM, भाई हाँ सही सुना आपने, ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है जैसे आप देख रहे होगे अभी। यहाँ पे आपको SOS के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा रोड साइड असिस्टेंस, और यहाँ पे किया कनेक्ट के फीचर, भाई किया कनेक्ट में भी तमाम फीचर्स हैं, उसके ऊपर भी आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी स्क्रीन में आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, यहाँ पे आपको साउंड मोड, किया कनेक्ट, फ़ोन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्मार्ट एयर प्योरीफायर, बाकी आपके मीडिया के कंट्रोल्स, ये सब मिल जाता है। साउंड मोड में आपको एक बार अभी बता दूंगा लास्ट में वीडियो के। भाई यहाँ पे दोनों तरफ बहुत बढ़िया लाइट जलती है, मतलब बहुत बढ़िया जिसे कहते हैं। तो चलो पीछे वाली सीट पर चलते हैं, कंफर्ट देखते हैं, स्पेस देखते हैं। सीट भाई अभी ये पूरी पीछे रखी है, फिर भी मैं आपको पीछे स्पेस दिखाऊंगा, ये देखिए। और यहाँ पे सारी इंडिकेशन मिलती है भाई आपको, अगर आपकी सनरूफ खोली है ना तो आपको ये इंडिकेशन भी मिलेगी यहाँ पे कि आपकी सनरूफ ओपन है। अगर मैं गाड़ी को बंद कर दूँ तो देखो आपको यहाँ पे ये इंडिकेशन भी मिलेगी कि सनरूफ ओपन है, आप देख रहे हो ब्लिंक हो रही है। और भाई इसमें जब तक आप ड्राइवर डोर अनलॉक नहीं करते हैं तब तक आपको स्क्रीन, सारी विंडोज, सारे मतलब इलेक्ट्रिक स्विचेस अवेलेबल रहते हैं, जैसे मैं इसको खोल दूंगा तो स्विचेस डिसेबल हो जाएंगे। ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मेरे को, अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो अब आपको पता लग गया होगा। तो भाई चलते हैं ज़रा पीछे वाली सीट पे। तो भाई यहाँ पे आपको मैंने शेड लगा रखा है, और यहाँ पे आपको कर्टन भी मिल जाता है, तो लाइट नहीं थी मतलब थोड़ा अंधेरा हो गया तो दिखने से ये देख रहा है आप, यहाँ पे आपको कर्टन मिल जाता है मैनुअल, ये मैंने शेड लगा रखा है, और यहाँ पे आपको कर्टन मिल जाता है भाई, एसेसरीज वगैरह, शेड वगैरह। भाई ये सीट है पूरी पीछे जैसे मैंने आपको बताई थी, और मेरी हाइट है 5'10" के अराउंड, फिर भी मेरे पास लेग रूम है और मैं काफ़ी कम्फर्टेबल हूँ। और सच बताऊँ तो पीछे वाली सीट्स काफ़ी कम्फर्टेबल हैं, बिल्कुल भी थकावट सी महसूस नहीं होती है इनमें, डोर्स वही सेम है पीछे, और पीछे भी आपको सेल्टोस की कफ प्लेट वो मिल जाती है। पीछे बात करें एसी वेंट्स, और यहाँ पे आपको एयर प्योरीफायर की डिस्प्ले मिलती है, ये फंक्शन नहीं होती है सिर्फ डिस्प्ले करती है, जो थोड़ा अपने आप में एक प्रीमियम टच दे देती है गाड़ी को, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है, वो आगे आप वहाँ पे देख सकते हैं, ये पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए बेसिकली। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फास्ट चार्जिंग, तो भाई और यहाँ पे आप अपना फ़ोन मतलब घुसा के रख सकते हैं, कोई छोटा मोटा सिक्के सामान, तो भाई ठीक है, ये भी कोई मतलब दिक्कत नहीं है पीछे, मतलब फीचर्स वगैरह ठीक है, इसी वेंट से गर्मी नहीं लगती अपना। यहाँ पे आपको मिल जाएगी पीछे मैगजीन होल्डर, यहाँ पे आपको दो दो मिल जाएंगी पॉकेट्स पीछे, ड्राइवर साइड आपको एक ही मिलती है, यहाँ आपको दो मिल जाएंगी। और भाई बात कर ले यहाँ पे तो आपको 3 हेडरेस्ट मिलते हैं,
और भाई देखा जाए ना तो इनकी पोजीशनिंग ऐसे, अगर आप इस पे सहारा लेते हैं, टेक लगाते हैं, तो आपके हेड को नेक को प्रॉपर रेस्ट मिलता है आर्मरेस्ट, सॉरी इन हेड रेस्ट से। और आर्मरेस्ट की बात करूं मैं तो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है, भी प्योर लेदर है, इसमें आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और काफी कंफर्टेबल लगी यार मेरे को सीटिंग इसकी। और भाई बिल्कुल स्ट्रक्चर तो सारा, मतलब थीम तो पूरी सेम है आगे पीछे। यहाँ पे आपको कोट हैंगर मिल जाएगा राइट साइड में गाड़ी के पीछे वाली सीट पे। और एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ, जो ये पीछे वाली सीट है ये रिक्लाइन भी हो जाती है, लाइक जैसे अभी मैक्स रिक्लाइन है, ये एक लेवल आगे आ गई और ये फुल रिक्लाइन हो गई, मतलब इतना इसमें आपको एडजस्टमेंट मिल जाती है। वरना आप इसको फ्लैट बेंच भी कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इसको आप ऐसे पुल करेंगे तो ये पूरी फ्लैट बेंच हो जाएगी, दोनों प्योर पूरी फ्लैट हो जाएगी, आप सामान रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 60-40 में आपको मिलती है, तीनों यहाँ पे आपको सीट बेल्ट मिल जाती हैं। भाई बात करते हैं बूट की, तो भाई बूट आपको काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिलती है। भाई एक बात बताऊँ, पूरी गाड़ी में एक ये और एक रिवर्स लाइट ही है जो हेलोजन है, बाकी आपको पूरी गाड़ी में सब कुछ LED मिलता है। बाकी यहाँ पे हमने सेल्टोस की जो आप देख रहे हैं, ये हमने मैट लगवा रखा है, जो आपको स्टेपनी के लिए कह रहा था वो आप ये देख लीजिए। गुडियर का टायर मिलता है, बाकी सारे JK के हैं, ये गुडियर का है और सेम प्रोफाइल है, बस इसमें आपको छोटा मिलेगा, रिम का साइज 16 है, उसमें आपको मिलता है 17 जो सारे टायर्स हैं, एक साइज छोटा है। पार्सल ट्रे है, ये ऐसे यहाँ पे हैंग हो जाती है और उठ जाती है डिक्की के साथ ही। यहाँ पे ग्रॉसरी हुक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी, छोटा मोटा सामान कुछ भी रख लीजिए, बूट काफ़ी ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे आप इसको पकड़ के पुश करके बंद कर सकते हैं। तो भाई बाहर से और अंदर से मैंने मोटा मोटी आपको सब कुछ बता दिया है। अब मैं जो आपको कह रहा था साउंड मोड की, आपको बता रहा था कि साउंड मोड जो लाइट्स जलती हैं बीट्स के साथ, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। भाई ये बीट्स के साथ चेंज होती है और भाई काफी एक नंबर लुक आता है। और भाई जो मैं आपको चेंजेस बता रहा था इसमें, वो थे कि भाई इस मॉडल में आपको 6 एयरबैग्स मिलने लग गए हैं अब, जिसकी वजह से प्राइसेस में भी काफ़ी हाइक हुआ है, करीब करीब 50,000 रुपये का। तो और इसमें और कोई चेंज नहीं है, बस एयरबैग्स वाली चीज़ जो है वो ये कि अब यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स दिख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एयरबैग और सीट्स में भी एयरबैग आते हैं। पहले 2 आते थे, फिर 4 पे स्विच, अब 6 पे हो गए। तो भाई ये तो गाड़ी का पूरा आपके साथ हो गया है एक वॉक अराउंड रिव्यू, या फिर एक फीचर्स एक्सप्लेन गाड़ी का पूरा आपको डिटेल देना। तो इसमें मैं आपको इंजन की बात कर लेता हूँ, ये डीजल इंजन है जैसा मैंने आपको बताया था, और इसमें आपको मिल जाएगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो प्रोड्यूस कर देगा 113 मतलब 113 BHP की पावर और भाई 250 Nm का टॉर्क। भाई गाड़ी भागती है, मतलब मेरे को तो इस सेगमेंट में भाई बेस्ट गाड़ी यही लगती है और भाई गाड़ी बहुत बढ़िया है। बाकी आगे आपको उसकी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। और भाई 6-speed मैनुअल है और भाई माइलेज भी अच्छी खासी निकाल देती है कंपनी, तो 21 की क्लेम करती है, हाईवे पर 20+ आती है, सिटी में आपकी 14-15 थोड़ा ठीक ठाक है तो 17 तक भी दे देती है माइलेज, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखी हो। तो ये था भाई सेल्टोस का बड़ा क्विक आपको रिव्यू, फीचर्स एक्सप्लेन कुछ भी कह लो। बाकी भाई इसके बारे में डिटेल में काफ़ी वीडियोज़ आती रहेंगी, चैनल पर बने रहना, लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भाई शेयर तो आप कर देना प्लीज़। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।